हेलो दोस्तों, मैं हूं मुजाहिद। सो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपने भी UTS ऐप में रिचार्ज करते टाइम या फिर टिकट निकालते पास निकालते टाइम जिस भी तरीके से आपका UTS ऐप में मनी डिडक्शन या पैसे कट गया है, उस पैसे को रिफंड कैसे पाना है। पिछले मैंने 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि UTS ऐप मनी डिडक्शन प्रॉब्लम सॉल्व, जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि लोगों ने बोला कि अब हमें ये तो पता चल गया कि किस तरीके से रिचार्ज करना है, क्या करना है कि हमारा पैसा ना कटे, लेकिन ऑलरेडी जो हमारा पैसा कट चुका है इसको रिफंड कैसे पाना है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेनली दो रीज़न होते हैं पैसे कटने के। एक ये होता है कि जब भी हम टिकट पास निकालने के टाइम जब हम गूगल पे या फिर फ़ोनपे पेटीएम वगैरह पर जाते हैं तो वहाँ पर हम जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऐसे में हमारा जो है सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से, बैंक का सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से जो है पैसा UTS ऐप तक नहीं पहुंचता। तो ऐसे में हमारा जो रिफंड आता है वो आता है बैंक अकाउंट में रिटर्न आ जाता है, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम था बैंक की वजह से। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, हम जब रिचार्ज पास वगैरह बुक करते हैं डायरेक्टली जाके जब हम पिन वगैरह डाल के पेमेंट कन्फर्म करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है हम तुरंत बैक आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है सिस्टम इशू आ जाता है जिसकी वजह से पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। वैसे में आपको 5-10 सेकंड वहाँ पर रुकना है, और जब ऐसा इशू आता है तो ऐसे में आपको रिफ़ंड नहीं आएगा। रिफ़ंड ना आने के बजाय आपको UTS ऐप में रिचार्ज होगा, क्योंकि आपका सर्वर इशू नहीं था। सर्वर इशू होता तो आपको रिफंड बैंक अकाउंट में आता, लेकिन आपने टिकट निकाला, टिकट तो उसी दिन के लिए वैलिड होता है। तो ऐसे में क्या, ऐसे में रिफ़ंड जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा, क्योंकि टिकट तो उसी दिन के लिए होता है। और जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है इसका रिफ़ंड पाने का या फिर रिफंड आने का, वो 7 दिनों का है। आपका कितना भी कुछ भी किसी भी तरीके से मनी डिडक्शन हुआ है वो 7 दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट या फिर आर वॉलेट में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया जो प्रॉब्लम हुआ उस प्रॉब्लम के हिसाब से बैंक अकाउंट में आएगा या फिर आर वॉलेट में रिचार्ज हो जाएगा। तो मोस्टली ये देखा जाता है कि तकरीबन 2-3 दिनों के अंदर ही लोगों का रिफंड आ जाता है। सो आई होप मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर अभी भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करो, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।